में नहीं होगी जातीय जनगणना, सरकार के इनकार पर सपा ने सदन में किया हंगामा, मंत्री बोले ये केंद्र का काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया और सदन में धरना दिया। वेल में नारेबाजी कर सरकार पर दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है। यूपी और विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुका है, उसे पिछड़े पर और संकीर्णता के शिकार बिहार की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने प्रश्न किया कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराएगी। सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। पूरक प्रश्न में डॉक्टर संग्राम सिंह ने सरकार पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा और दलित वर्ग की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत ये है कि 1% आबादी प्रदेश के 40% संसाधन का उपभोग करती है, वहीं 50% आबादी के लिए सिर्फ 3% संस्थान है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के अभाव में पिछड़े व दलित वर्ग को उनका वास्तविक हक नहीं मिल रहा है, प्रशासनिक सेवाओं न्यायालय में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार स्वयं के खर्च से जातीय जनगणना करा रहा है, तो यूपी में क्यों नहीं कराया जा रहा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब देते हुए कहा कि जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार की ओर से कराई जाती है, केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिनियम और नियमावली भी बनाई है। उन्होंने कहा कि अब यूपी बहुत आगे निकल गया है, उसे वापस बिहार की तरफ नहीं ले जा सकते। बिहार में अराजकता और भ्रष्टाचार है, योगी सरकार यूपी को उत्तर प्रदेश बना रही है। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ेपन और संकीर्णता के शिकार है उस तरफ यूपी को नहीं ले जाना चाहिए।